नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का लोगों को बहुत ही लंबे समय से इंतजार है। इस फिल्म में आलिया भट्ट लीड रोल में नजर आने वाली है। आलिया इसमें गैंगस्टर का किरदार निभा रही है। जब से इस फिल्म में आलिया का लुक सामने आया है, तब से फिल्म को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा है। पहले तो कोरोना के कारण फिल्म की शूटिंग की रफ्तार धीमी हो गई और अब एक बार फिर फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लंबे समय बाद फिल्म की शूटिंग मुंबई में शुरू हुई, लेकिन अब गंगूबाई के परिवार वालों ने आपत्ति जताते हुए 22 दिसंबर को संजय लीला भंसाली, आलिया भट्ट और हुसैन जैदी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। संजय लीला भंसाली, आलिया भट्ट और हुसैन जैदी को अपना जवाब देने के लिए 7 जनवरी 2021 तक का समय दिया गया है। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि भंसाली की कोई फिल्म कंट्रोवर्सी का शिकार हुई हो। विवादों ने कभी भंसाली की फिल्मों का दामन छोड़ा ही नहीं, फिर चाहे वो गोलियों की रासलीला, रामलीला हो, बाजीराव मस्तानी हो या फिर पद्मावत। पद्मावत को तो सबसे ज्यादा विवादों का सामना करना पड़ा था। राजपूत संगठन और करनी सेना के सदस्यों ने फिल्म के खिलाफ खूब विरोध प्रदर्शन किया और उन पर आरोप लगाया कि फिल्म ने चित्तौड़ की रानी पद्मावती के बारे में तथ्यों से छेड़छाड़ की है। ये बात हम सभी जानते हैं कि संजय लीला भंसाली अपनी फिल्मों पर कितनी मेहनत करते हैं, चाहे फिल्म का भव्य सेट हो या वो हर छोटी बात जो फिल्म की कहानी से जुड़ी हो, संजय की बारीक नजर उन सभी पर रहती है। इस फिल्म के सेट पर भी उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। इस सेट को कई आर्टिस्ट के साथ बात करने के बाद फाइनलाइज किया गया है। इसे बनाने में लगभग 6.5 करोड़ रुपए की लागत आई है। अगर बात फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की करें तो संजय लीला भंसाली की ये फिल्म हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पर आधारित है। हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में बताया गया है कि गंगूबाई 60 के दशक में मुंबई माफिया का बड़ा नाम थी। उनके पति ने उन्हें सिर्फ 500 रुपये में बेच दिया था, जिसके बाद वो वेश्यावृत्ति में लिप्त हो गई थी। उन्होंने इस दौरान कई लड़कियों के उत्थान के लिए भी काम किया था। अगर फिल्म की बात करें तो इसमें आलिया के अलावा अजय देवगन का कैमियो भी आपको नजर आएगा। वह फिल्म में आलिया के मेंटर का रोल निभाएंगे। इसके साथ ही इमरान हाशमी भी फिल्म में अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस पूरी वीडियो पे आपके क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल। और एंटरटेनमेंट के तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।